गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं प्रतिभा सिंह, QTFM 5.5 दिल में आपका स्वागत है। मैं आ गई हूँ आज के मुख्य समाचार लेकर के। चीन से निपटने की तैयारी, नौसेना लाएगी विक्रांत जैसा एक और पोत। एडमिरल हरि कुमार ने कहा, विमान वाहक पोत के निर्माण में विशेषज्ञता, अब उठाएंगे लाभ। सेहत को खराब करने वाली गोलघर व गीडा इलाके की हवा, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय क्षेत्र की भी हवा सेहत के लिए नुकसानदायक। एयरपोर्ट पर यात्रियों के बढ़ते लोड से हाफने लग रही कन्वेयर बेल्ट, पुराने टर्मिनल पर मशीन के खराब होने से परेशान हो रहे यात्री। अखिलेश से ज़्यादा शिवपाल और आजम की सास दांव पर। मैनपुरी की रामपुर उपचुनाव की हार जीत तय करेगी व्यक्तिगत पहुंच और हैसियत। मध्य गुजरात का माहौल साधने की कोशिश, पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने लगातार रोड शो और सभाओं से लगाया पूरा जोर। भारत की 2% आबादी दिव्यांग, सम्मान और सुरक्षा देना सभी का दायित्व, मुर्मुर। दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए काम करने वालों को राष्ट्रपति ने किया पुरस्कृत। अमेरिका को हराकर नीदरलैंड 7वीं बार विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में। अंतिम 8 से पहुंचने वाली पहली टीम बनी नीदरलैंड, 3-1 से जीता मुकाबला। ये थे अब तक के मुख्य समाचार, कल फिर लेकर के आऊंगी इसी समय मॉर्निंग में। तब तक के लिए नमस्कार।